जय जगन्नाथ। आज संसद में वाइस चेयर पर्सन एक लीजेंडरी चेयर कर रहे हैं, मेरे उनको नमन है। आज मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। पहले तो मुझे गर्व होता है, देश की पहली आदिवासी महिला मेरे राज्य से बिलोंग करती है, महामहिम राष्ट्रपति जी है। ये मेरे लिए सच में बड़ी गर्व की बात है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को मैं उस दिन बहुत अच्छे से सुनी। पारा 30 में राष्ट्रपति जी ने बोला, मेरी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण है। इस संदर्भ में मुझे नारी शक्ति नामक एक कविता का स्मरण होता है, जो 100 साल पहले उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत की रची हुई थी। क्या बोले हो, वसुंधरा तले भारत रमणी नुहे हिन नुहे दिन, अमर कीरति कोटि जुगे केवे जगत नोही बोली न। ये सच में जो बोले वो 100% सच है। मैं फिर पारा 2 में आना चाहूँगी, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी बोले, ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए आगे खड़े हों। ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं सोच रही हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि सच में युवा शक्ति और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। मैं हर तरह से उनके अभिभाषण का समर्थन करती हूँ मेरे पार्टी की तरफ से, मगर मैं कहीं ना कहीं जब नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की बात आती है, मुझे 33% रिजर्वेशन के बारे में मैं बोलना चाहूँगी। क्योंकि मेरे नेता नवीन पटनायक जी हमेशा 33% महिला संरक्षण की तरफ कदम बढ़ाए और इनिशिएटिव जितना भी लिया है, मगर कहीं ना कहीं ये फलफूल नहीं रहा। आप एक महिला है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी भी एक महिला है। हम सोचते हैं कि ये अगर महिला लोगों के लिए 33% रिजर्वेशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए, सारे देश के लिए। ऐसा नहीं है, नवीन पटनायक जी ने हम लोगों को संसद में 33% रिजर्वेशन करके भेजे हैं, मगर ये सारे देश का सवाल है, सारे महिलाओं का सवाल है। अगर देखा जाए, भगवान के बाद अगर कोई सृष्टि रचने की क्षमता रखती है वो नारी है, माँ है। अगर माँ सृष्टि भी कर सकती है, पालन भी कर सकती है, सबको अच्छे से बांध के भी रख सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि यहाँ पर जो हमारे महिला हैं किसी गुण से कम है, ना आप कम है, आप एक लीजेंडरी है। कोई भी महिला जो ये सदन में आई हुई है, सब एक से आरेख है। मगर कभी सोचिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जब था पता, जब वो बोल रहे थे कि अगर संसार को, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो महिला लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसके वजह से वो वोटिंग राइट्स, इसके वजह से वो डिवोर्स राइट, इसके वजह से वो रिप्रोडक्शन का राइट महिलाओं को दिए। मगर कुछ हद तक देखा जाए, कहीं ना कहीं हम लोग उसको दबाए रखे, उनके बाद में कोई आगे नहीं बढ़ा उस बात को लेके। मगर कहीं ना कहीं महिला अपना घूंघट छोड़ के खुद अपने पैर से आगे आके आज भी ये संसद में है, कुछ विधान परिषद में है, विधानसभा में है, और देखा जाए तो पंचायत राज सिस्टम में भी है। मैं तो बिजू पटनायक, जो हमारे नवीन पटनायक की फादर है, उनको सतत नमन करूंगी कि पहले बार देश में 33% रिजर्वेशन ओडिशा किया, 3-tier पंचायत राज सिस्टम में। उसको बढ़ के नवीन पटनायक जी ने 50% रिजर्वेशन किया पंचायत राज में। और आज अगर देखा जाए 50% नहीं, 60% से भी ज़्यादा महिला है हमारे ओडिशा में जो 3-tier पंचायत राज सिस्टम चला रही है। हाँ, कभी कभी जब 33% रिजर्वेशन आया था, महिलाओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। कभी कभी बोले लोग कि पति सरपंच, सरपंच पति है चला रहा है, मगर आज ये दिन नहीं है।
आज अगर देखा जाए हमें से जो भी सदन में है और जो भी बाहर में है, काफ़ी महिला बहुत अच्छे से चला रही हैं। हमारे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ भगवान ने पैदा ही दिया है, पैदा ही किया है महिलाओं को पंख दे के आसमान छूने के लिए, और आसमान छूने का विश्वास जो है ना वो हमारे नवीन पटनायक जी ने हमारे हमें जगाया है। वो चाहे खेल में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, आपको मालूम होना चाहिए संसद को खेल में अगर महिलाओं के लिए देखा जाए उड़ीसा ही एक ही प्रदेश है जो महिला हॉकी को स्पॉन्सर किया है। अगर देखा जाए स्वास्थ्य में ममता से लेके BSQI में 10 लाख रुपया महिलाओं के लिए स्पेशल है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो महिला जो बच्चे पढ़ते हैं, जो गर्ल्स पढ़ते हैं, उनको फ्री साइकिल, अच्छा पढ़े तो लैपटॉप, कैसे बढ़े वो हमेशा ध्यान में रखते हैं। उनके ऊपर उनका विश्वास है महिला आगे जा सकती है, इसीलिए वो सारे चीज़ महिलाओं के लिए ही करते हैं। क्योंकि हमारे जो वहाँ के मिशन शक्ति है जिसमें 6 लाख से भी ज़्यादा ग्रुप, 70 लाख से भी ज़्यादा महिला उसमें हैं, उनमें हैं, अगर देखा जाए तो आज वो आसमान छू रहे हैं। क्योंकि वो अभी चूल्हा चौके में नहीं रहे हैं, वो अभी लैपटॉप चला रहे हैं। आज का अगर देखा जाए उड़ीसा के जो प्रोडक्ट होता है ना, वो अभी फ्लिपकार्ट में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लेकर कहाँ कहाँ तक वो सारे विदेशों में भी जा रहे हैं। ये है विश्वास, ये है खुद का महिलाओं के ऊपर विश्वास जो मेरे मुख्यमंत्री ने किया है। आज महिला को थोड़ा सोचने का और थोड़ा समझने का मौका चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुख्यमंत्री ने मैंने वो सब किया, मगर कुछ चीज़ ऐसा है जो उनके हाथ में नहीं है, ये संसद के हाथ में है, ये सरकार के हाथ में है। 33% रिजर्व, मैडम मैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूँ। 33% रिजर्वेशन, आप अगर चाहें 33% रिजर्वेशन दे के सबको आप महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। बस ये संसद के हाथ में है। अभी मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करूँगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ का निकट में देहांत हुआ है। अगर देखा जाए वो एक जोगजन्मा को पैदा किए थे। अगर देखा जाए तो मैं तो सोचूंगी कि मैं तो बोलूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी ये महिला संरक्षण बिल लागू किया जाए, और देखा जाए तो ये उनके माँ के लिए भी श्रद्धांजलि होगा, सारे माँ के लिए भी श्रद्धांजलि होगा। ये और एक बस एक आधा मिनट, हमारे बिरसा मुंडा को माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिरसा मुंडा को बोले कि आदिवासी के जो भगवान है उनके लिए म्यूजियम किया गया, मगर मैं एक बात बोलूंगी, मेरे नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देके राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम निर्माण किया, वो भी 5G के चलते 15 ही महीनों में। ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये है ओडिशा सरकार की प्रतिबद्धता। मैं चाहूंगी कि जैसे सबको, जैसे सभी लीजेंडरी को आप लोग सम्मान देते हैं, मेरा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने एक रिक्वेस्ट किया था सबको कि महात्मा गांधी जी को भी लीजेंडरी, महात्मा गांधी जी के सम्मान में अगर हो सके तो संविधान के प्रीएम्बल में अहिंसा का नाम थोड़ा जोड़ दीजिए, वो भी हमारे लिए और सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं आपसे आपका आभारी हूँ, और ये मौका देने के लिए मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। वंदे उत्कल जननी।